अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंगूर मछली की रेसिपी, जो कि बनाने में बिल्कुल आसान रहेगा। आज हम नए तरीके से बना के दिखाएंगे। चलते हैं, मछली को बनाना शुरू करते हैं। आप लोग पूरी वीडियो में बना रहना गाइस। मछली बनाने के लिए इधर मैंने 1 किलो मंगूर लिया है, इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। गेहूँ का आटा डाल के, नमक डाल के बहुत अच्छे से साफ हुई है दोनों साइड। आटा डाल के धोओगे, नमक डाल के, तो बहुत अच्छी साफ हो जाती है मछली, बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहता इसमें। कुछ मसाले इसमें मिला देते हैं। थोड़ी सी मिर्ची डाल देती हूँ, ये 1/2 चम्मच है। आज हम बिल्कुल नए तरीके से बना के दिखाएंगे। एक बार मेरी तरीके से बना के खाओगे गए तो आप हर बार इसी तरीके से पसंद करोगे बनाना, बहुत खाने में टेस्टी लगेगी। आप ये रेसिपी हमारी जरूर फॉलो करना। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देती हूँ। नमक हम बाद में डालेंगे, नमक नहीं डालेंगे अभी। अब मछली के ऊपर 1 चम्मच बेसन डालेंगे, ये राजधानी कंपनी का है पैकेट वाला। इसको डालने से इसका मछली का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप लोग एक बार जरूर बना के खाना गए। सिर्फ 1 ही चम्मच डालना है, 1 छोटा चम्मच चाय का डाल दिया है। अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करते हैं, पूरी मछली की कोटिंग हो जाएगी अच्छे से। आप एक बार जरूर फॉलो करना ये रेसिपी को, बेसन डाल के जरूर बना के देखना गाइस, तरी वाली मछली। नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि नमक पहले डाल दो ना तो पानी छोड़ देती मछली, तो तलने में फिर दिक्कत होती है, छींटे पड़ती हैं ऊपर, जलने का डर रहता है, मछली में पानी छूट जाता है नमक डालने से। और ये कोटिंग हो जाए मसाले की, इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। आपके पास टाइम हो तो 10 मिनट के लिए रख सकते हो। मछली में हमने मसाले लगा दिए अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया हाथ से, मिर्ची और हल्दी और बेसन डाल के। अब इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए, उसके बाद दिखाते हैं आपको। मछली फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया गैस के ऊपर। अब इसमें तेल डाल देती हूँ। सबसे पहले मछली को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में बनाना शुरू करेंगे। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, मछली को डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी एक बार में आएंगी कढ़ाई में उतनी डाल देना है, बाकी के हम बाद में कर लेते हैं। इतनी फिश डाल दिया है, थोड़ी सी बची है उसके बाद में करूँगी। अभी थोड़ी देर इसमें करछी नहीं लगाना है, एक साइड से हो जाए थोड़ा सा, फिर इसमें पलटूंगी। अब इसमें नमक नहीं डाला तो ये छिटक नहीं रहा, तेल आराम से हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बाद में डालोगे पूरे फिश में नमक अच्छे से हो जाएगा अंदर तक। नमक आप पहले मिला दो तो उसको आराम से फ्राई करना होता है, थोड़ा बच के रहना पड़ता है क्योंकि तेल की छींटे ज़्यादा पड़ती हैं। अब मछली को हम पलट देते हैं दूसरी साइड, एक साइड से हो गई है हल्के हल्के, कितना बढ़िया कलर आ रहा है माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हो। मछली बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रही है। आप चाहे नॉनस्टिक पैन में फ्राई कर लो, चाहे अल्मीनियम में। मैंने नॉनस्टिक में नहीं किया है, वो थोड़ी छोटी कढ़ाई है इसीलिए इसी में कर रही हूँ। इसी कढ़ाई में सब्जी बनाऊँगी इसीलिए हमने इसी कढ़ाई को यूज़ किया है। इसी में फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसी कढ़ाई में बना के दिखाएँगे सब्जी को। अच्छे से कलर आ गए हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हो मछली हमारी अच्छे से पलट गई है, एक भी फीस चिपकी नहीं है कढ़ाई में। अब ये हो गया, फिर निकाल लेती हूँ। अब ये मछली हमारी हो गई है दोनों साइड से, ज़्यादा देर नहीं फ्राई करूँगी वरना ये ज़्यादा गल जाएंगी। बढ़िया से कलर आ गया है इस पर, अब निकाल लेती हूँ सारी फीस। आराम से ये उठ रही हैं, कितना बढ़िया कलर आया है माशाल्लाह। बेसन डालने से मछली के ऊपर कलर बहुत अच्छा चल जाता है, कोटिंग अच्छे से हुई, सारे मसाले चिपके हुए हैं, तेल में बिल्कुल भी नहीं छूटा है। मछली हमने निकाल लिया एक बर्तन में, और जितनी बची हैं 3-4 पीस उसे भी कर लेती हूँ इसी तरीके से फ्राई, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। मछली फ्राई करके मैंने निकाल लिया है, उसी तेल में बना रही हूँ मछली को, वही तेल है ये जिसमें मैंने मछली फ्राई किया है। कुछ हमने इधर खड़े मसाले ले लिया है, ये 3 छोटे तेज़पत्ता हैं, बिल्कुल छोटे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे साइज के, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च हैं, ये जोतरी का धागा है, 3 से 4 लौंग हैं मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी मेथी डाल देती हूँ, थोड़ी सी हमने मेथी लिया है डाल देती हूँ। और ये मसाले हमारे हो जाए, और ये खड़े गर्म मसाले हमारे हो गए हैं। अब लहसुन अदरक का प्याज का पेस्ट डाल देती हूँ इसी में, लहसुन अदरक के साथ प्याज मैंने पीटा है 1 छोटा साइज का। अभी लहसुन अदरक हमारा भुन जाए उसके बाद में पिसे हुए मसाले डालूंगी। आप एक बार जरूर बना के खाना गाइस हमारे तरीके से, आप
आपको बहुत पसंद आएगा। मछली बहुत टेस्टी बनती है इसे बनाओ तो, इस तरीके से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। अब पिसे हुए मसाले डाल रही हूँ, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ले लिया है, ये डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मछली में। अब इसे भून लेते हैं सारे मसाले को अच्छे से, मसाले हमारे भून जाए उसके बाद दिखाते हैं आपको। इसको अच्छे से भूनना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। प्याज जो मैंने डाला है कूट के, मैंने एक छोटा साइज प्याज का यूज किया है, बिल्कूल छोटा साइज। मछली में प्याज जरूर डालना है, मैंने उतने तेल जितना बचा हुआ था कढ़ाई में दोबारा से तेल नहीं डाला है, इतने तेल में बनाऊंगी। अब हल्का सा पानी डाल देती हूँ मसाले में ताकि मसाले हमारे जले ना, और इसे भून लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आपके पास हो तो डाल दो, मेरे पास ख़त्म हो गई इसलिए नहीं डाल रही हूँ। मसाला हमारा भुन गया अच्छे से, अब नमक डाल देती हूँ मसाले में। नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हो आप लोग जितना खाते हो, आधा चम्मच और डाल रही हूँ, डेढ़ चम्मच है टोटल, इतना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा हमारी मछली में। एक बार मिक्स करते हैं अच्छे से, और मछली को डाल देती हूँ मसाले में, थोड़ा सा मसाले में भून लेते हैं, उसके बाद पानी डालूंगी। आप चाहे पहले ग्रेवी उबाल के उसके बाद डाल सकते हो पानी, पर ऐसे मसाले में थोड़ी भुन जाती है ना तो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसे हल्के हल्के हाथ से मिलाना है, ज़्यादा टाइट हाथ नहीं लगाना है, वरना मछली गली हुई होती है, फ्राई हो जाती है तो गल जाती है, टूटने का डर रहता है। इसे मिला देते हैं अच्छे से। अब मछली में पानी डाल देती हूँ, मैंने एक मिनट मछली को भून लिया मसाले के साथ, कि मसाले के साथ अच्छे से भून गई है। ग्रेवी के लिए पानी डाल देती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ग्रेवी लगा सकते हो जितना खाना चाहते हो। मिला देते हैं, अब इसमें उबाल आ जाए, पाँच मिनट उबाल लेते हैं ग्रेवी में, उबाल आ जाए अच्छे से, उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, मछली हमारी तैयार हो गई है, मैंने इसको 10 मिनट पकाया ग्रेवी को, थोड़ा सा चेक कर लिया था, ग्रेवी हमारी ज़्यादा पतली थी इसीलिए मैंने 10 मिनट पकाया है। अब इसको गैस को बंद कर देती हूँ, अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए गाइस, मछली हमारी बनके तैयार हो गई है, ये बहुत टेस्टी बनी माशाल्लाह। देखिए गाइस, मछली हमारी बनके तैयार हो गई है, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, बहुत टेस्टी बनी माशाल्लाह। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना हमारे तरीके से, बहुत पसंद आएगी आपको। इस टाइम बरसात में मछली बहुत टेस्टी बनती है। वीडियो हमारी अच्छी लगी गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।